देख रहे हो। बेसिकली एक मर्द को भी बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी बीवी को पालना। दोनों ही कटे करते थे, अब बड़े हो गए, अब निकाह निकाह पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आखिर टाइम आ ही गया मेहंदी रात का। पिछले दो ब्लॉग आप लोगों ने देखे, वो एक तो मेहंदी रात की वो पहले महफिल थी, फिर मलमज थी, और जो बाजवान वाले हैं वो भी आ गए हैं, तो भी जाएंगे उधर, देखेंगे क्या क्या है। लेकिन आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलना ये है कि पिछले दो चार दिन से मैं एक गेम खेल रहा हूँ, और जिसका नाम है टेक्सल ऐप, जो कि काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, काफ़ी बढ़िया गेम है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप माहिर हो प्रिडिक्ट करने में और आपका आईक्यू टेस्ट बेस्ट है, तो आपको क्या करना है इस गेम में, आपको नंबर्स को प्रिडिक्ट करना है। अगर आप 10 नंबर चूज़ करते हो, अगर फिर वही 10 नंबर सेम विनिंग लिस्ट में आया, तो क्या आप एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, बल्कि 9 गुना ज़्यादा जीत सकते हो। और सजेस्ट करूंगा कि विनिंग लिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज इससे आपको काफ़ी मदद होगी जीतने में, क्योंकि उससे आपको दिखेगा कि क्या कौन कौन से नंबर्स प्रिडिक्ट करने हैं। और अगर आप अभी साइन अप करते हो, रेफल कोड जो कि स्क्रीन पर आ रहा है वो यूज़ करोगे, तो आपको 20 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। सो घर बैठे यार गेम भी खेलो, कमाओ भी पैसे। अभी सब चाय पी रहे हैं, कुछ चाय चाय क्या त्रे कपा वाली से बुझ सो गोड़ खा ऐसा गोड़ खा पत कर ऐ कह पत गो यह सोन मिस्टर आदिल एम चे वा चोर लट चाय दो तरह कुल चे ना वेटर जल्दी जल्दी पहन, अभी और भी काम है। मैंने गिलास फटी है, ये कप फटी पाए, मैं पर 10 रुपया नकद। मैंने मान दू मगर आज आप फूट क्या फूट क्या फूट لایو کرو یہ بزرگ تلن فوٹو वाजवान शुरू हो गया। और यहाँ से मैंने एक चीज़ देखी, वो ये है कि हमारे साइड में जो ईंटें होती है उनका ही ये चूल्हा बनाते हैं, जो आप देख रहे हो ये। लेकिन यहाँ मैंने देखा उल्टा है, यहाँ मैंने देखा कि ये लकड़ियों का बना हुआ है, बिकॉज इस साइड से लकड़ियाँ ज़्यादा है, दैट्स वाई ये प्रेफर ज़्यादा लकड़ियाँ ही कर रहे हैं, करते होंगे। लेकिन हमारे साइड में ब्रिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो मिट्टी की बनी हुई होती है, पुख्ता वाली ब्रिक्स नहीं, जो कच्ची वाली ब्रिक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में बुरे। जानी भाई सुबह से आप कहाँ थे, आप कब वेट कर रहे थे? नहीं पता, 4:30 बजे से मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ। कर रहा था, आप गए थे कहीं रात को? मैं गया था, आप पता है पानी कहाँ से लाना है? पानी कहाँ से लाना, कैनाल से? देखो कैप्चर कर रहे कहाँ से लाना? उधर से। हाँ, दो बार गया रात को वहाँ पे। दो बार और क्या, तो देख रहे हो जानी भाई को? हाँ, आप बहुत जच रहे हो इसमें, बहुत ज़्यादा जच रहे हैं हमारे दुल्हे इसमें, है ना? आप क्या बोल रहे हो सर, जच रहे हैं कि नहीं जच रहे? हाँ, बहुत ही लुक देखो इसका यार। आप जानी भाई जी, इस ड्रेस के मुद्दे क्या बोलोगे आप? ये ड्रेस इस लोकेशन में इस एरिया में पहली बार आया है। पहली बार आया है और पहली बार आज तक किसी पहना ही नहीं। ये चॉइस भी यूनिक है। जानी भाई की चॉइस यूनिक ही होती है और थोड़ी हटके होती है ना?
हमने सोचा अभी सभी लोग ऐसे लगाते हैं, दुला ऐसा करें, नहीं ये तो ठीक है, इधर से बेस्ट है, ये डिफरेंट लग रहा है, ये डिफरेंट लग रहा है, मतलब थोड़ा ही उसने ऐसे काट के रखा है, यही तो बात, यही बात है ना, यही इसको खास बना देता है। वैसे दुला दिखना भी चाहिए ना खास, तो ये हो गया तैयार। वैसे दूल्हा ढूंढ रहा है इसमें मिठाई, क्यों क्यों ये खुद खाना चाहता है। ऐसे आ गए जिनको हलाल करना है। हम देख रहे हैं टेंट का माहौल कैसा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और जहांगीर भाई के साथ ये जो है ना, ये ओपी बंदा है, जैसे देख सकते हो यार टेंट की डेकोरेशन क्या है, बेस्ट है। ये वाला स्टेज जो है इसमें कुछ कलाकार बैठेंगे। ये जो फैमिली है ना, ये वारसी फैमिली है। वारसी फैमिली मतलब क्या है, सूफीज़म के बहुत ज़्यादा क्लोज है ये, दैट्स वाई इन्होंने कुछ सूफीज़म गाने वाले लाए हैं, वो गाएंगे परफॉर्म करेंगे, वो तो आप देखोगे। अभी हमको मजदूरी के लिए निकाला गया है। ये देख रहे हैं ये बंदा सोफ़ा ला रहा है, तो हमें भी सोफ़ा ही लाना है। मतलब 3 बजने को है और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं, खाना वाना दे के ख़त्म किया मेहमानों को, और अब जो है वो मेहमान आने लगे हैं, क्योंकि आज जो है वो मेहंदी रात है, और आप सब लोगों को पता ही है कि मेहंदी रात में मतलब कितने मेहमान आते हैं। मतलब इनके मुंह में जो आता है ये वो बोल देते हैं, और मैं आप सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, भाई ये अशरफ है कौन, जरा इस अशरफ को मेहरबानी करके, अशरफ भाई आप इतने फेमस हो गए हो लेकिन फिर भी आपका दीदार हमें नहीं हुआ, तो मेहरबानी करके दीदार कराओ हमको, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ वेडिंग सॉन्ग यही होता है कि अशरफ अशरफ अशरफ। सुबह के लिए तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, रिश्ता कबाब और यखनी तैयार हो रही है इन पर, देख सकते हो गुरु वहाँ बैठा हुआ है। تمس بچی سی تمس ناؤ سمیا بشیر تم مالس ناؤ بشیر احمد اچھا تم نکاح امس سر پہ تمہاجازت تہاجازت اچھا تم چلو الحمد للہ رب العالمین ये होता है निकाह पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद होता है ना जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो नहीं अलग ही एहसास होता है, लाइक वो स्पिरिचुअलिटी आई थिंक थोड़ा बहुत टच होता है। हाँ कशिर पढ़ कोई वर्षी मान, तो फाइनली बंदा हो गया, अब बस दुल्हन को लाना है, वो देखेंगे कल ही लाना है ना। भाई अभी तक कूल थे, अभी कूल नहीं है, अभी आ गया ये जो है हमारा मुलाजिम, इसको नवाज नहीं बोलते, इसको मुलाजिम बोलते, मुलाजिम नवाज साहिब, डॉक्टर नवाज साहिब बोलते हैं इसको, बिकॉज ये DRDO में काम करता है, और इसने मुझे बोला आके कि मुझे रेस्पेक्ट कर लो, और रेस्पेक्ट देखो इसका क्या किया मैंने, ये रहे बिस्किट्स, ये रही लिप्टन चाय, और ये रहा जूस। भाई अब मतलब ठूस के वरना, अगर ये झूठा छोड़ा ना अल्लाह की कसम, इतनी इज्जत करूँगा ना, इतनी इज्जत करूंगा, ये कभी बोलेगा ही नहीं कि मुझे इज्जत करो फिर। हाँ और कुछ नहीं बोलना, कुछ जैसा बेशरम और बुक्कड़ कहीं नहीं देखा। देखो यार चाय भी पी इसने और जूस भी पिया, और देखो दो गिलास जूस पी इसने, नहीं नहीं एक ही है, और बिस्किट से यार ये भी इसने खत्म किया है, मतलब ओरियो चाय जो शीर डालते हैं रोटी के लिए भी आधा खाया। DRDO में कुछ नहीं दे रहे आपको, मुलाजिम है तो यार। हाँ वो बात है, मैं हूँ मुलाजिम, तो DRDO में ठीक है, इसका फुल फॉर्म जाके गूगल पे चेक कर। हमारे ग्रूम है
उसको अच्छी तरीके से मसाज कर रहे हैं हमारे भाई जान। तो जो भी वैसे तो उतने मतलब इसको डार्क सर्कल्स भी नहीं है ना, तो कुछ पिंपल्स विम्पल्स है मत, तो अभी ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं ग्लो के लिए कर रहे हैं ये सब। डिस्क्राइब योर फ्रेंड एंड योर यंगर ब्रदर इन वन वर्ड, नॉट मनी वर्ड्स, एक लफ्ज में इनको आप बयान। दिस इज अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सन। अच्छा सर, एक एक वर्ड आपको बोलना है। क्या बोलना है? एक वर्ड बोलना है, मतलब इसको डिफाइन करना है, एक लफ्ज में बयान करना है इस बंदे को। बचपन में नहीं, मैं एक वर्ड, एक वर्ड बोल रहा हूँ, एक वर्ड। दोनों ही कटे कर देते, अब बड़े हो गए अपनी। अरे आ गए फैज सर। तो फैज सर हमारे घर में यहाँ पे आ चुके हैं अभी। वो वैसे 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 आप लोगों को बता दूं, वैसे आप लोगों को बता दूं, आज सर सीधे पॉलिटिशियन लग रहे हैं, आज खजरा लग रहा है। सर आपसे एक क्वेश्चन है। जनाब आप फरमाएं। सो डिस्क्राइब योर फ्रेंड इन वन वर्ड। हाँ सर, ओनली वन वर्ड। ये दोस्त जो मेरा है। हाँ सर, हाँ सर, कल ये हमारी तरह एक्स हो जाएगा। एक्स हो जाएगा। इसके इन ख्वाबों में मुझे बड़ा तरस आ रहा है। तरस आ रहा है क्योंकि कल ये गुलाम बनने जा रहा है। डिस्क्राइब योर ब्रदर इन वन वर्ड। हाँ यार, इस बंदे को एक वर्ड में है सेंटेंस में। भाई था शरीक बनने देखो, अबरार के दिल में यही है जो फयाज सर ने बोला कि आज ये भाई था और कल ये पितर बनने जा रहा है। जब हम देते हैं ना औरतों को खाना, तो कितना मतलब ये होता है हार्ड खाना देना, उनको मेंटेन करना। आप मेंटेन इधर कर रहे थे, क्या लगा भाई साहब? औरतों को खाना देना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि इनके नखरे, इनके नाज, ये इसको हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। इनका एटीट्यूड वो बात है, और ये दूसरे औरत को अपने साथ बैठने नहीं देते हैं। इसको इनको लगे कि ये इसके हाँ, काले हैं या कुछ नहीं, सब ये बड़ा डिफिकल्ट होता है इनको बहुत ज्यादा। तो ये है सर की राय, आप देख रहे हो। बेसिकली एक मर्द को भी बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी बीवी को पालना। फाइनली नवाज लग गया काम पे।